Well, let us take a live from Bihar where JP Nadda is addressing the media. लेकिन कुछ समय के अभाव में कार्यक्रम ज्यादा रख लिए और आप सब लोग जगह जगह पर इतना स्वागत करते हैं कि कुछ समय उसमें भी जाता है, इसलिए विलंब हो गया तो आपको बोलने का मौका कम मिला। लेकिन मैं आपके लिखित प्रतिवेदन कोई आएगा तो उसको जरूर ध्यान में रखूंगा। जिन दो तीन वक्ताओं ने भी मेरे सामने बोला, उन सब का प्रथम वाक्य था कि बदलाव की किरण, आशा की किरण और परिवर्तन की किरण उनको दिखी है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के कारण। यह उनका पहला उद्बोधन था और उसके बाद उन्होंने कैसे मखाना और मत्स्य का आकार आगे बढ़ा है उसकी भी उन्होंने चर्चा की और कुछ जो काम होने हैं उसके बारे में भी चर्चा की। मैं एक ही बात आप सबको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। तो नीतीश जी ने भी तय किया और सुशील मोदी जी ने भी तय किया कि उस आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर बिहार भी होगा। इस बात को हम लोगों ने चिंता और इस सपना को साकार करना और जब हम बिहार को आत्मनिर्भर करने की बात करते हैं तो मखाना जो कि देश में 90% अगर कहीं पैदा होता है तो वो बिहार की धरती पर पैदा होता है। यह और उसमें भी उस 90% में 80% नहीं होता है तो वो मिथिला की धरती पर होता है। आपके शब्द आपकी बात को मैंने अच्छे वकील के रूप में रखा इसलिए फिर चाहे वो मधुबनी हो, दरभंगा हो, सुपौल हो, अररिया हो, कटिहार हो, हमारे समस्तीपुर हो, सभी स्थानों में लगभग 600 करोड़ रुपए का व्यापार हो, 600 करोड़ रुपीज का व्यापार होता है। हमारी कोशिश है कि हम इसको आगे बढ़ाएं और इसके आगे बढ़ाने में बिहार के लोगों को और किसानों को आगे आना पड़ेगा। किसी भी इंडस्ट्री को चलने के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है? सबसे पहले तो इकोनॉमी को चलाने के लिए, अर्थनीति को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, यानी जिसको हम कहते हैं कि रास्ते चाहिए, गोडाउन चाहिए, व्यवस्था चाहिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमको चाहिए। और तीसरी बात, हमको टेक्नोलॉजी चाहिए। और चौथी बात, जहां हमको मार्केट चाहिए, डिमांड चाहिए, वही ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, यानी कुशल, उस काम को करने में कुशलता प्राप्त व्यक्ति चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो आत्मनिर्भर पैकेज का 20 लाख करोड़ रुपए तय किया है उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए इसी बात के लिए तय किया है कि किसानों की इकोनॉमी